अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। तो जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह सुबह आप सभी के लिए दो बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। एक खबर जो है वो आपके दिल को जो है काफ़ी ज़्यादा खुश कर देगा, क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम्स हुआ था 14 मार्च और 21 मार्च को, उसमें आप सभी को पता है कि धांधली भी हुआ था। उसके बाद से एक ऐसा खबर निकलकर सामने आ रहा है जिसे सुनने के बाद थोड़ी सी चेहरे पे मायूसी छा जाएगी, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ही इसी प्रकार से हुआ था जो मेरे को अभी अभी पता चला। सो चलिए बिना लेट किए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो वैकेंसी निकला है, 8415 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया था, जिसका एग्ज़ाम जो है वो 14 मार्च और 21 मार्च संडे के दिन जो है वो कराया गया था। उसके बाद से उस एग्ज़ाम से मोटे तौर पे धांधली हुआ था, और धांधली में मैं आप सबको बता दूं, जो गवर्नमेंट स्कूल थे उसमें काफ़ी ज़्यादा हुआ, और जो प्राइवेट और CBSE स्कूल्स में जिन लोगों का एग्ज़ाम्स पड़ा था उन लोगों को थोड़ा सा कराई ज़्यादा हुआ। तो धांधली में सारे क्वेश्चन जो है वो सटीक नहीं थे, जो आप लोगों के लिए एक खुशखबरी हो सकता है, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर शीट बनाया गया था वो जो इतना भी मतलब एक्सपर्ट नहीं थे जो कि सारे 100% क्वेश्चंस का आंसर की सही बना सके। इसीलिए जो जिन लोगों को आंसर की मिल गया था, यानी कि जो लोग धांधली किए हैं, उन लोगों का भी जो है वो ज़्यादा मार्क्स आने की संभावना नहीं है, क्योंकि उन लोगों का जो आंसर शीट बना था वो रॉन्ग बना था। और जो लोग अपने से टिक आउट किए थे, यानी कि जो लोग अच्छे स्टूडेंट्स अपने से किए थे, उन लोगों का भी उसी के बराबर होगा। तो ये दो खबर, और एक खबर मैं आप सबको बता दूं कि जो बुरी खबर ये है कि संपूर्ण लॉकडाउन होने की वजह से बिहार में जो है वो कॉपी जांच करने की प्रक्रिया भी ठप हो गई है, यानी कि 25% के मौजूदा में भी अब कॉपी जांच करना संभव नहीं है, क्योंकि कोरोना काल दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, जो कि हम लोगों के चेहरे पे एक मायूसी सा छा गया है इस खबर को सुनने के बाद।